नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी के परिवहन विभाग में 30 जून का महीना 31 दिन का हो गया। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 30 तारीख वाले माह को 31 तारीख वाला माह बना दिया। इतना ही नहीं, 31 जून की तारीख में स्थानांतरण का भी आदेश जारी हो गया है। आदेश महिला आईएएस अधिकारी 2015 बैच अन्नपूर्णा गर्ग ने जारी किया है। एक आईएएस अधिकारी से इतनी बड़ी भूल पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रही है। इससे पहले साल 2018 में महिला आईएएस अन्नपूर्णा गर्ग बलिया के बांसडी एसडीएम के पद पर तैनात थी। ट्रेनी आईएएस के रूप में यूपी में पोस्टिंग दी गई थी और अब वर्तमान में अपर प्रबंधक निदेशक परिवहन विभाग के पद पर वर्तमान में तैनात हैं। खटीमा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। खटीमा के सुनपहर मेहरबान नगर गांव में पशुओं को नदी पार करात रहे एक 13 वर्षीय किशोर को मगरमच्छ नदी में खींच कर अपना निवाला बना दिया। सूचना पर घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं वन विभाग तथा पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। दिल दहला देने वाली घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फूट गया। वन विभाग और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि एक 3 लड़के थे जिसमें एक 13 वर्षीय बालक था जिसको कि मगरमच्छ द्वारा पानी में खींच लिया गया है। जिस संबंधों में उसकी मगरमच्छ की खोजबीन की गई तो एक मगरमच्छ को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है। अभी उसका जांच की जा रही है कि क्या ये वही मगरमच्छ है जिसके द्वारा बालक को निवाला बनाया गया। लक्सर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वो आए दिन बेखौफ होकर देहात क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देर रात एक बार फिर अज्ञात चोरों ने टीकमपुर गांव में एक घर को निशाना बनाते हुए जेल सहित लगभग लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना प्राप्त हुई है कि टीकमपुर गाँव में बंद मकान में से चोरी हुई है। उस संबंध में थाने पर मुकदमा कायम करके अब कार्रवाई की जा रही है और इसका शीघ्र ही खुलासा किया जाए। हाँ, ये जानकारी मिली है कि कोई बाहर का आदमी जो घूमता हुआ उसको पकड़ा हुआ है, उसे पूछताछ किया जाए। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन तैयारी में जुट गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहते। कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे और शहर में मीट की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। मंगलौर नेशनल हाईवे पर बने सभी होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट स्वामियों की कोतवाली प्रभारी राजीव रौथन ने बैठक आयोजित कर रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों का सत्यापन कराया जाएगा। सोमवार सुबह एक युवती ने जल विद्युत परियोजना के झील में छलांग लगा दी। युवती द्वारा रत्नधर नदी में झील लगाने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई और डूबती हुई युवती को रेस्क्यू कर लिया। सूचना मिली 8:25 पे, जिससे हम अपने निजी वाहन से तुरंत ही पहुंच गए थे। राफ्ट ले जाते तो काफ़ी वक्त लग जाता इसमें, तो हम बिना राफ्ट के ही लाइफ जैकेट पहनी। 3 आदमी नदी में कूदे, हमारे कांस्टेबल विनोद नेगी, एससीपी उत्तम सिंह भंडारी और गोताखोर महेंद्र सिंह नेगी, जो तीनों कूदे तो लड़की हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, जिस कारण यहाँ पे काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था और हम लोगों ने कम से कम समय में ये रेस्क्यू किया और लड़की को निकाला गया और 108 के द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया। पद्नगर के सिटकुल एरिया में स्वर्गीय प्रमोद रौसला जी के स्मृति में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई सारे सामाजिक संगठनों ने आकर के सहयोग किया। शिविर में शासन प्रशासन सिटकुल के काफी युवाओं ने ब्लड डोनेट किया। अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना आयुक्त आनंद वर्धन सुबह जोशीमठ पहुंचे। जोशीमठ पहुंचकर नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। नगर पालिका कार्यालय पहुंचने पर नगर पालिका के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार द्वारा अपर सचिव का पुष्प देकर स्वागत किया गया। मुख्य सचिव जोशीमठ नगर की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए। जालौन में पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। बीते 28 जून को चित्रकूट से जालौन लौट रही युवक के साथ लुटेरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। प्रश्न शातिर लुटेरों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल, 1 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया है। कदौर थाना क्षेत्र के तारापुर पुलिया से दोनों लुटेरों की गिरफ्तारी हुई है। पीलीभीत में नाबालिग युवती के घर में घुसकर छेड़छाड़ अश्लील हरकत करने का एक युवक पर आरोप लगा, बलात्कार करने की कोशिश भी की गई है। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंची युवती की मां ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर युवक मौके से फरार हो गया। युवती के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीलीभीत में बरेली से पीलीभीत आ रही इको को सामने से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें इको में सवार व्यापारी से चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना थाना जहानाबाद इलाके पीलीभीत बरेली नेशनल हाईवे 730 स्थित शाही चौकी के पास की है। प्रयागराज हंडिया उतराव थाना क्षेत्र के उसमपुर में नेशनल हाईवे पर खड़ी ट्रक से पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें दो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हाजी इकबाल के आवास पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। एसडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवास पर तोड़फोड़ की, जिसके बाद खलबली मच गई। एसडीए की सचिव और एसडीएम सदर कृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। फूड पॉइजनिंग से छात्राओं की तबीयत बिगड़ने पर गंगोह क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनंदफानन में छात्राओं को सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां से पांच को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गंगोह के गांव मंगही में कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय की 15 छात्राओं की तबीयत फूड पॉइजनिंग से खराब हो गई। सेना में अग्निपथ योजना सरकार से वापस लेने के मकसद से रालौद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत करके मुहिम छेड़ दी है। बिजनौर में पहुंचे जयंत चौधरी का नौजवान युवकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए पुशअप लगाए। साथ ही मंच और मीडिया से मुखातिब होते हुए जयंत ने कहा कि सरकार हर घर में एक को नौकरी देने की बात कर लोगों को गुमराह की तरफ धकेल रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।